Welcome back, my dear kids. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to start new chapter of our science book by Brain Root series. The name of our book is Science Spark Class 2. और आज हम अपना chapter number 12 start करेंगे. Chapter का नाम है Forms of Water. तो चलिए chapter start करते हैं. In this chapter, you will learn about states of water and water cycle. इन दोनों चीजों के बारे में आप अपने चैप्टर में आज पढ़ेंगे. Before we start the chapter, first we will do warm-up exercise. Identify the following pictures. यहाँ पे कुछ पिक्चर दी हुई हैं. आपको उनको पहचानना है और उनका नाम लिखना है. सबसे पहली पिक्चर बताइए किस चीज की है. सबसे पहली पिक्चर है वेल की, कुएं की. तो आप यहाँ पे लिखेंगे WELL, वेल. नेक्स्ट टू यू विल डू बाय योरसेल्फ. वॉटर हैज नो कलर, नो टेस्ट एंड नो स्मेल. पानी का कोई कलर नहीं होता, कोई स्वाद नहीं होता, कोई स्मेल, कोई खुशबू नहीं होती. It is found naturally in all the three states. और वो naturally प्रकृतिक रूप से ही पानी तीन तरह से पाया जाता है. तीन state होती है पानी की, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे. States of water. Water exists in three state. पानी तीन तरह से पाया जाता है, liquid form में, solid form में और gas के रूप में. लिक्विड मतलब पानी, सॉलिड बर्फ. बर्फ किससे बनती है? पानी से. और गैस मतलब वाटर वेपर, भाप के रूप में भी पानी पाया जाता है. यू नो दैट व्हेन वाटर इज बॉइल्ड इन अ केटल, इट कम्स आउट फ्रॉम द स्पॉट ऑफ स्टीम और वाटर वेपर. अगर केतली में पानी को उबाला जाए तो क्या होगा? पानी भाप बनकर निकल जाएगा, जिसे हम स्टीम, भाप या फिर वाटर वेपर कहते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन. तो पानी को जब हम भाप के रूप में बदलते हैं तो उसे हम कहते हैं इवेपोरेशन. देखिए, गैस पर पानी रखा है, पानी उबल रहा है, तो वो भाप के रूप में निकल रहा है. आप गैस पर पानी रखिए एक बॉइल होने के लिए किसी पैन में और 10 मिनट तक उसे बॉइल होने दीजिए. क्या होगा? पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और आपके जिस बर्तन में आपने पानी उबालने रखा है उसमें से पानी सूख जाएगा. When a cold plate is held near the spot, the steam cools down and change to small drop of water. पानी आपने उबालने रखा, जब पानी भाप बनकर जा रहा है, आप उसके आगे कोई प्लेट रखिए तो क्या होगा? पानी भाप बनकर उस प्लेट पर, वो प्लेट गीली हो जाएगी और बूंद बूंद टपकने लगेगा पानी का. कई बार आपने देखा है, सपोज आपकी मम्मा ने चाय बनाई पैन में, चाय पीने में उन्हें टाइम है तो वो चाय को ढक देती हैं. जब आप बर्तन पे से प्लेट को हटाते हैं तो प्लेट क्या होती है? गीली होती है और उसमें से पानी की बूंदे टपकती है. This process of water vapor changes to water drop is called condensation. उसे हम condensation कहते हैं, भाप से पानी को बूंदों में बदलना. So you can see that water has three states: water, water vapor and ice, barf. Now we will read about water cycle. अब हम water cycle के बारे में पढ़ेंगे. ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के समय में सूरज की हीट कहाँ पड़ती है? धरती पे पड़ती है, पानी में पड़ती है, समुद्र में, तालाबों में, झीलों में, झरनों में. ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इंटू वाटर वेपर. और क्या होता है? जब सूरज की गर्म किरणें पानी पर पड़ती हैं तो वो पानी किस में बदल जाता है? वाटर वेपर में, भाप में. The water vapor goes high up in the sky. और वो भाप बनकर कहाँ जाता है? आसमान में जाता है. Where the air is cool. वहां पर क्या होता है? हवा ठंडी होती है. Here the water vapor cool down and change into tiny drop of water. ठंडी हवा में जब गर्म पानी मिलता है
तो वो ठंडा हो जाता है और छोटी छोटी पानी की बूंदों में बदल जाता है। These drop of water join to form cloud. और पानी की ये छोटी छोटी बूंदें मिलकर क्या बनाती हैं? Clouds, जिसे हम बादल कहते हैं। The clouds are unable to hold big drop. This water comes down as rain. और बादल बड़ी बड़ी पानी की बूंदों को नहीं पकड़ पाते या नहीं संभाल पाते, तो वो क्या होता है? बारिश बनकर धरती पर आती है। देखिए, अब मैं आपको एक पिक्चर की हेल्प से बताती हूँ। देखिए, यहाँ पर क्या है? सूरज है। सूरज की किरणें कहाँ जा रही हैं? पानी पर पड़ रही है और पानी भाप बनकर आसमान में जा रहा है और उसने क्या बनाया? बादल। जब पानी की बूंदे, बड़ी बड़ी बूंदे बादल नहीं पकड़ पाता या नहीं संभाल पाता, तो वो बारिश बनकर वापस धरती पर आते हैं। देखिए क्या हुआ, पहले पानी बादलों में गया और बादलों से बारिश के रूप में फिर वापस कहाँ आ गया? धरती पर आ गया। वॉटर गेट्स हीटेड बाय सन एंड राइजेस अप इन द एयर एज वॉटर वेपर। पानी गर्म हुआ किससे? सूरज की किरणों से, और वो ऊपर गया कहाँ? बादलों में, आसमान में गया और क्या बन गया? हवा के साथ मिलकर वाटर वेपर। इन द क्लाउड्स मोर एंड मोर टाइनी ड्रॉप जॉइन टुगेदर टू फॉर्म लार्ज ड्रॉप। छोटी छोटी पानी की बूंदे बादलों में मिलकर बड़ी बूंद बनाती है पानी की। दीज ड्रॉप्स बिकम हैवी एंड फॉल ऑन द ग्राउंड एज रेन। और पानी की ये छोटी छोटी बूंदे मिलकर भारी बन जाती हैं, जो धरती पर गिरती हैं कैसे? बारिश के रूप में। रेन वाटर फ्लो बैक इनटू लेक, रिवर एंड सी। बारिश का पानी वापसी जाता है कहाँ पर? लेक्स में, रिवर्स में और समुद्रों में। इट अगेन गेट हीटेड बाय द सन। वो सूरज से फिर गर्म होता है पानी और कहाँ जाता है? आसमान में जाता है और क्या बन जाता है? बादल बन जाता है। Thus water is always moving from lake, river and sea to the sky and back. तो ये क्या हुआ? समुद्रों, तालाब और झरनों से पानी आसमान में गया, आसमान से बारिश के रूप में वापस आया और फिर समुद्र, तालाब और झरनों में भर गया। This is called water cycle. और हम इसे कहते हैं water cycle. Now time to test your skill. Fill in the boxes, choose word from the water drop. यहाँ पर एक activity है, आपको इसको करना है और help के लिए आपको कुछ clue दिए गए हैं, तो चलिए ये activity आप खुद करेंगे। Now time to go in flashback. The three state of water are solid, liquid and gas. Solid, gas और liquid क्या है? Water की तीन states हैं। On heating, water changes into steam. जब पानी गर्म होता है तो वो किस में बदल जाता है? भाप में। On cooling, water vapors change into water. On freezing, water changes into ice. जब पानी को जमाया जाता है तो वो क्या बन जाती है? बर्फ बन जाती है। इन नेचर वाटर कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स फॉर्म, दिस इज नोन एज वाटर साइकिल। नाउ टाइम टू डू सम एक्सरसाइज। एक्सरसाइज वन, पिक द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन पर टिक का निशान लगाइए। नंबर, वाटर एग्जिस्ट इन हाउ मेनी फॉर्म्स। वाटर कितने फॉर्म्स में होता है? 3, 2, 5 या 4। वाटर तीन फॉर्म्स में होता है। द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजेस इनटू वेपर इज कॉल्ड फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, मेल्टिंग या कंडेंसेशन। पानी को जब भाप के रूप में बदला जाता है तो उसे इवेपोरेशन कहते हैं। नंबर 3 and 4 यू विल डू बाय योरसेल्फ। नाउ एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक। The dash heats water in lakes and river. कौन पानी को गर्म करता है? Lakes में और river में। तो आंसर आएगा S-U-N, sun.
आइस डैश टू बिकम वॉटर, आइस को पानी के रूप में बदलने के लिए क्या करना होता है? आइस मेल्ट, पिघलती है और पानी बन जाती है. ड्रॉप ऑफ वॉटर ज्वाइंस टूगेदर टू फॉर्म, पानी की छोटी छोटी बूंदे मिलकर क्या बनाती हैं? मिलकर क्लाउड बनाती हैं, बादल बनाती हैं. नंबर फोर यू विल डू बाय योरसेल्फ. नाउ एक्सरसाइज सी, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, जो सही है उसके लिए ट्रू लिखिए और जो गलत है उसके लिए फॉल्स लिखिए. वॉटर बॉइल्स एंड चेंज इंटू आइस, पानी गर्म होता है और बर्फ बन जाता है. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, FALSE फॉल्स. वॉटर चेंजेस इंटू वेपर इन द फ्रिज, फ्रिज के अंदर पानी भाप बन जाता है. क्या ये सही है? नहीं, दिस इज ऑल्सो फॉल्स. जब पानी को गर्म करते हैं तब वो भाप बनता है. ऑन कूलिंग आइस चेंज इंटू वॉटर, जब बर्फ को जमाया जाता है या ठंडा किया जाता है तो वो फिर पानी बन जाती है? नहीं, वो मेल्ट होने पर पानी बनती है. नंबर फोर, वॉटर वेपर राइज अप इन द एयर, पानी की भाप हवा में मिल जाती है. यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नंबर फाइव, आइस इज द लिक्विड फॉर्म ऑफ वॉटर, बर्फ पानी का लिक्विड फॉर्म है. नो, वो पानी का सॉलिड फॉर्म है. एक्सरसाइज डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. माई डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज डी यू विल डू बाय योरसेल्फ. इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न्ड अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वॉटर. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. Stay tuned for next video. Till then, take care. Bye-bye.